हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं दोस्तों? दोस्तों जय हिंद दोस्तों। और आज हम जो बात करने वाले हैं, एक इंडियन आर्मी की बात करने वाला है, और हम बहुत बड़ा इंडियन आर्मी के फैन हैं। तो दोस्तों, जो हमारे बिहार में रक्सौल में जो कांड हुआ है, जो पुलिस वाले ने इंडियन आर्मी को मारा है, हम सुने तो बहुत दुख हुआ है, लेकिन हम वीडियो नहीं बना पा रहे, थोड़ा सा फंसे हुए थे। इधर उधर काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आप खेतों से हैं, थोड़ा सा गाना चला रहे हैं। दोस्तों हम बात ये करने वाले हैं कि जो इंडियन आर्मी होता है, हमारे देश के लिए शान मान होते हैं, और हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन और अपन जान जोखिम में डालकर 24 घंटा हमेशा सुरक्षा करते हैं हमारे देशवासियों को। और बर्फ़ हो, धूप हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, हमारे देश की रक्षा करते हैं हम इंडियन आर्मी। और वो इंडियन आर्मी की वो देश के अंदर इज्जत ना मिले, सम्मान ना मिले, आदर ना हो, का इंडियन आर्मी सोचेगा हम इंडियन आर्मी बने और देश की रक्षा करें? जो हमारा खुद इज्जत नहीं हो रहा है हमारे इंडियन, हमारे देश में, आप खुद सोचिए किस तरह सुपौल में मारा गया है इंडियन आर्मी को, आप बताओ सही है? आप लोग बताइए खुद, एक इंडियन आर्मी को मारा गया है, आप बताओ सही है? उतना दादागिरी किया गया, आप बताइए इंडियन आर्मी सही है? आप बताइए पुलिस समाज, बताइए सही है? आप खुद बताइए। और ऐसे पुलिस वालों को और हम पूरे देश के हर इंडियन आर्मी से निवेदन करते हैं कि आप इस पर आवाज़ उठाइए, और ऐसे पुलिस वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और दोबारा कोई पुलिस वाला एक इंडियन आर्मी पर हाथ उठाने की सपना में ना सो सके, ना छू सके। दोस्तों आप सबके साथ, हर देश के वासियों को, हर इंडियन आर्मी से हमें निवेदन करते हैं कि आप इस पर आवाज़ उठाइए और बोलिए उस पुलिस वालों को माफ़ी मांगने को, गोर छू के माफ़ी मांगे, और दोबारा ऐसे पुलिस वाले, कोई भी पुलिस वाले ऐसे इंडियन आर्मी को नाम आए। थैंक यू सो मच दोस्तों, और आपको अच्छा लगा वीडियो जरूर सपोर्ट करें, और जरूर इस पर आवाज़ जरूर उठाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।